सेकेंड यूनिट है हमारे पास टर्पिनोइड्स एंड कार्टिनोइड्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे टर्पिनोइड्स के बारे में। टर्पिनोइड्स क्या होते हैं? जनरली हमारे नेचुरल ओकरिंग कंपाउंड होते हैं और जनरली प्लांट्स से हमें मिलते हैं, मेजोरिटी में प्लांट से मिलते हैं। कुछ टर्पिनोइड ऐसे होते हैं जो प्लांट के अलावा अदर सोर्सेज से भी हमें मिल जाते हैं। सेकेंड इसमें जो पॉइंट आता है वो है दे आर वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल नेचर के होते हैं, विच गिव फ्रेगरेंस टू प्लांट एंड फ्लावर्स। थर्ड पॉइंट, द टर्म टर्पिन वॉज गिवन टू द कंपाउंड्स आइसोलेटेड फ्रॉम टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन एक नेचुरल पिगमेंट है, एक लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड है जो पाइन ट्रीज से आइसोलेट किया जाता है, वहाँ से हमारे पास टर्पिन टर्म आई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है द टर्म टर्पिन वॉज एम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब ए मिक्सचर ऑफ आइसोमरिक हाइड्रोकार्बन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C10H16 अकरिंग इन असेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सैप एंड टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। तो जो टर्पिन थी वो शुरुआत में उसे बताया गया था कि ये आइसोमरिक हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर है जिनका जनरल फॉर्मूला होता है C10H16, जो प्लांट या सैप ट्रीज से या टिश्यू प्लांट के टिश्यू से कि एसेंशियल ऑयल मिलते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। नाउ जो अभी इनकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है टर्पिनोइड्स की वो है टर्पिनोइड्स आर हाइड्रोकार्बन ऑफ प्लांट ओरिजिन ऑफ जनरल फॉर्मूला C5H8N एज वेल एज देयर ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोजनेटेड एंड डीहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव। तो ये क्या होते हैं, C5H8 जनरल फॉर्मूला होता है और उनके हाइड्रोजनेटेड डिहाइड्रोजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव सारों को क्या बोला जाता है, टर्पिनोइड्स बोला जाता है। उसके बाद इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कैसे होते हैं ये, नेचर के अंदर कलरलेस फ्रेग्रेंट लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल विद स्टीम एंड जनरली ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। सेकेंड पॉइंट इज दैट दे आर सोल्यूबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सोलवेंट बट यूजअली इनसोल्यूबल इन वाटर। एंड द थर्ड पॉइंट इज दे आर ओपन चेन और साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैविंग वन और मोर डबल बॉन्ड। अब अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होती है, एल्केन्स की टेंडेंसी होती है एडिशन रिएक्शन की, तो क्या होती है ये भी एडिशन रिएक्शन होती है इनकी हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन हैलाइड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट दे ऑल्सो अंडरगो पोलीमराइजेशन डिहाइड्रोजनेशन एंड दे कैन ईजली ऑक्सीडाइज। तो ये थी इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आइसोप्रीन रूल आते हैं, आइसोप्रीन रूल या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, इसका बायोजेनेटिक स्ट्रक्चर रूल है। तो आइसोप्रीन रूल क्या बताता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एनी टर्पिनोइड गिव आइसोप्रीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो किसी भी टर्पिनोइड का अगर थर्मली डिकम्पोजिशन किया जाए तो हमें क्या मिलता है, आइसोप्रीन एक प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। क्या होता है भाई हमारे पास, ऑटो वैलेच उसने बताया था पॉइंटेड दैट स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ ऑल नेचुरल अकरिंग टर्पिनोइड्स कैन बी बिल्ट अप टू आइसोप्रीन यूनिट। इसने बताया था कि जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है सभी नेचुरल ऑकरिंग टर्पिनोइड्स का वो आइसोप्रीन यूनिट से बनाया जा सकता है और इसे ही क्या बोला गया था, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रीन रूल। नाउ द मेन डेफिनेशन या जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है आइसोप्रीन रूल स्टेट्स दैट टर्पिनोइड्स मॉलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टू और मोर आइसोप्रीन यूनिट, की जो टर्पिनोइड मॉलिक्यूल है वो दो या उससे ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनी होती है। ये क्या होते हैं हमारे पास, आइसोप्रीन यूनिट। नेक्स्ट जो इनगोल्ड है, साइंटिस्ट इनगोल्ड ने सजेस्ट किया था दैट टर्पिनोइड मॉलिक्यूल आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ टू और मोर आइसोप्रीन यूनिट्स जॉइंड इन ए हेड टू टेल फैशन। इसने बताया कि जो टर्पिनोइड यूनिट है वो हेड टू टेल फैशन में एक दूसरे से जॉइंट होती है और दो से ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट इसी मैनर में अरेंज होकर क्या बनाती है, टर्पिनोइड्स की फॉर्मेशन करती है। तो ये थे हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट। तो इसे क्या बोला जाता है, उसका हेड और उसका टेल। तो जो टर्पिनोइड है वो इस तरीके से बने होते हैं कि इसका हेड और फिर उसके टेल से आपस में इनके बीच बॉन्डिंग हुई रहती है। एग्जांपल अगर देखो तो ये हमारे पास है जर्नोइल, जर्नोइल CH2OH ये वाली यूनिट थी, उसका हेड और इसका टेल आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक दूसरा टर्पिनोइड के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है टर्पिनोइड के अंदर
सॉरी आइसोप्रिन यूनिट रूल के अंदर कि जो ये या फिर इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि ये सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, हमें सिर्फ एक गाइड कर रहा है कि जनरली आइसोप्रिन यूनिट से हमारे पास ट्रिपिनोइड की फॉर्मेशन हो गई, ऐसा कोई भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ये एक फिक्स रूल नहीं है, सिंपल एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्टेनॉइड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर हमारी जो लिंकेज है वो टेल टू टेल होती है, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे टर्पिनोइड भी एग्जिस्ट करते हैं जो अभी हमने क्या पढ़ा था कि C5 के मैनर में होगी या C5H8 के मैनर में होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे टर्पिनोइड भी होते हैं जहाँ पे कार्बन कंटेंट 5 का मल्टीपल नहीं होता। उसके बाद बात आती है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन की, तो जो बहुत सारे टर्पिनोइड्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा C5H8N, तो इनको किसके बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, इस N के बेस के ऊपर या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे। तो देख अलग अलग क्लास जो है वो हम देखेंगे, अगर हमारे पास 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो N की वैल्यू कितनी हो गई 2, और जो टर्पिनोइड की क्लास है उसे क्या बोला जाएगा, मोनो टर्पिनोइड। सेकेंड हमारे पास क्या है, अगर 50 नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो N की वैल्यू क्या हो गई 3, और इनको किसके अंदर रखा जाता है, सस्क्यू टर्पिनोइड्स की क्लास में रखा जाता है। थर्ड 20 है और N की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएंगे, डाई टर्पिनोइड के बहुत अच्छा एग्जांपल है विटामिन A1। उसके बाद 25 है तो N की वैल्यू 5 किसके अंदर आते हैं, सस टर्पिनोइड्स के क्लास में। 30 N की वैल्यू क्या हो गई 6 किस में आएंगे, ट्राई टर्पिनोइड्स, N की वैल्यू 8। 40 कार्बन एटम किसकी क्लास कौन सी होगी, टेट्रा टर्पिनोइड्स, और अगर 40 से ज़्यादा है तो फिर उनको बोला जाता है पोली टर्पिनोइड। ठीक है, एक का क्लासिफिकेशन ये था, दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हो जाता है, नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट। तो नंबर अगर हमारे पास कोई भी रिंग नहीं है, हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो उसे क्या बोला जाता है, एसाइक्लिक टर्पिनोइड, एग्जाम्पल माइसिन और सिट्रल। उसके बाद अगर हमारे पास क्या है, एक रिंग प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलोगे, मोनोसाइक्लिक टर्पिनोइड, फॉर एग्जाम्पल अल्फा टर्पिनोइड। अगर दो रिंग प्रेजेंट है, बाईसाइक्लिक टर्पिनोइड, एग्जाम्पल कैम्फर अल्फा पाइनिन। उसके बाद अगर तीन है हमारे पास रिंग, तो क्या बोलोगे, ट्राईसाइक्लिक टर्पिनोइड्स। अगर रिंग चार है तो क्या बोलोगे, टेट्रासाइक्लिक टर्पिनोइड। ठीक है, ये हो गया सिंपल इसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद आती है जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ टर्पिनोइड। अभी हमने क्या करना है, टर्पिनोइड के स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करना है, तो उसके अंदर कौन कौन से जनरल स्टेप फॉलो करोगे। फर्स्ट क्या, सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ करते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके उसका फर्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, या तो अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एस ग्रुप हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हमारे पास अगर प्रेजेंट हो OH ग्रुप, अल्कोहल वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, तो अल्कोहल ग्रुप की कैसे कन्फर्मेशन करोगे, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एसिटेट्स विद एसिटिक अनहाइड्राइड। तो इसकी रिएक्शन अब एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ होगी, तो क्या बनेंगे, एसिटेट्स बनाएगा, या तब इसकी रिएक्शन कराओगे 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो हमें बेंजोएट की फॉर्मेशन होगी। तो अगर इनकी फॉर्मेशन हो रही है एसिटाइल डेरिवेटिव या बेंजोइल डेरिवेटिव, तो वहाँ से बता दोगे कि इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर क्या होता है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से हो जाती है, बजाय कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के अंदर। तो हमारे पास ROH ग्रुप है, ये क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटाइल डेरिवेटिव की फॉर्मेशन, ऐसे इसमें क्या हो गया, ये 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड है, इसमें क्या बन गया हमारे पास, बेंजोइल डेरिवेटिव इसका। तो यहाँ से पता चल जाएगा अल्कोहल ग्रुप का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप हो, तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो सकते हैं। तो सिर्फ ये देखना कि कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप हमारा ऑक्साइम या फिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, हमारे पास ऑक्साइम या फिनाइल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिलमीन, क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो गई, ऐसे फिनाइल हाइड्रोजन है, फिनाइल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ हमारा एल्डिहाइड है, तो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, उसकी ऑक्सीडेशन करवाने पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और किसी भी कार्बन का कोई लूज नहीं होगा, जितने नंबर ऑफ कार्बन हमारे एल्डिहाइड के अंदर प्रेजेंट थे, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होंगे। सेकंड, अगर हमें ऑक्सीडेशन के ऊपर जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है उसके अंदर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा,
या वो कीटोन बन जाएगा, या हम कहेंगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, कीटोन के फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या देखनी है हमें, अनसेचुरेशन, मतलब हमारे पास कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो किसके बेस पे निकालते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के ऊपर करवा सकते हो, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या एच एक्स मॉलिक्यूल हमारे यूज होंगे सब इसके अंदर रिएक्शन के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होंगे। रिएक्शन क्या होती है, सी डबल बॉन्ड एच टू, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो एक मॉलिक्यूल यूज हुआ है मतलब कितना डबल बॉन्ड है, हर डबल बॉन्ड एक मोल को यूज कर लेगा, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज होंगे एच टू के या एच एक्स के जिसके साथ भी रिएक्शन करवाओगे, उतने ही क्या हो जाएंगे हमारे पास डबल बॉन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन से हम क्या पता चलता है कि किस टाइप का स्केलेटन हमारे पास प्रेजेंट है हमारे टर्पिनोइड्स के अंदर। तो इस डिहाइड्रोजनेशन हम जनरली करवाते हैं सल्फर, सेलेनियम, पोलिनियम या प्लेडेनियम के प्रेजेंस में। तो जो टर्पिनोइड है वो कोरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर चेंज हो गया। तो जैसे ये था हमारे पास सल्फर टर्पिनोल, इसमें ये दोनों डबल बॉन्ड नहीं होते भाई, गलती से बन गए थे, एक डबल बॉन्ड होता है। इसके जब सेलेनियम के साथ डिहाइड्रोजनेशन करवाओगे तो क्या बनेगा, हमें पैरासाइमिन की स्ट्रक्चर बनेगी। अभी पैरासाइमिन की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्बन स्केलेटन है हमारे पास अल्फा टर्पिनोल के अंदर, वो इस तरीके का स्केलेटन प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम अलग अलग टाइप के रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओजोन हो गया, KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, क्रोमिक एसिड, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्सीडेट एसीटेट या फिर पर एसिड्स। डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन होगा, किस ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस तरीके से होगा, ये हमारा डिपेंड करता है। और ये हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग हमें यूज करना है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेलेक्टिव होते हैं और उस पर्टिकुलर ग्रुप जो हमें ऑक्सीडाइज करना है उसी के ऊपर डिपेंड करना है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट की हेल्प से हम चूज करते हैं कि कौन सा यूज करना है, उसके बेस पे हमें इसके अलग अलग प्रोडक्ट से बता सकते हैं कि किस इनकी लिंकेज है और ये चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट। अब रिंग उसके अंदर कितनी प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करनी है, तो कैसे करेंगे, तो रिंग किसके हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पेरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो पहले क्या करते हैं, हमारे पास गिवन है उसके क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो क्या होगा, जितने भी डबल बॉन्ड है वो सारे सैचुरेट हो जाएगा, जो हमारा टर्पिनोइड है वो पेरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर चेंज हो जाएगा और वहाँ से रिंग के नंबर ऑफ रिंग हम डिटरमाइन करेंगे। तो अगर हमारे पास जनरल फॉर्मूला है CnS2n+2, मतलब कैसी है, एसाइक्लिक। अगर CnS2n आ रहा है मोनोसाइक्लिक है, CnS2n-2 बाईसाइक्लिक नेचर का है, CnS2n-4 ट्राईसाइक्लिक है, CnS2n-6 मतलब टेट्रासाइक्लिक नेचर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ रिंग पता चल जाएगी। उसके बाद आती है लास्ट में जो स्ट्रक्चर है वो वेरीफाई करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। तो अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ करते हैं हम, जैसे UV हो गई, IR हो गई, NMR हो गई, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे एनालिसिस। तो ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स यूज़ करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें क्या मिलता है, लैम्बडा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हो, और उसे मतलब जो मेन इन्फॉर्मेशन है तो कंजुगेशन के बारे में हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट IR, IR किसके डिटेक्शन में हेल्पफुल है, फंक्शनल ग्रुप। तो हम देखते हैं IR के अंदर पीक्स मिलती है, मान लो 3400 के ऊपर मिल रही है, मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर 750 से 700 के बीच मिल रही है, सिस ट्रांस की भी अपनी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स पीक्स होती है IR रीजन के अंदर। तो IR रीजन के अंदर उनके पीक्स के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद देखो NMR, NMR किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, हम डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने में, नेचर ऑफ एंड ग्रुप, कितनी रिंग उसके पास प्रेजेंट है, और जो मेन इसका काम है टू रिव्यू द ओरिएंटेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के ऊपर मिथाइल ग्रुप की ओरिएंटेशन के बारे में इजिली एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद लास्ट क्या यूज़ करते हैं, एक्सरे टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो एक्सरे टेक्निक्स से हमें क्या मिलती है, हमें जो किस ऑप्टिकली एक्टिव टर्पिनोइड्स हैं उनके स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो पता ही है कि
हमें जो स्ट्रक्चरल स्टडीशन के लिए फर्स्ट स्टेप वही होता है कि उसका मास डिटरमिनेशन। तो ये थे हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। फिर जो स्ट्रक्चर हमारी इलुसिडेट हो जाती है उसको फिर किसकी हेल्प से निकालते हैं हम, उसके सिंथेसिस के बेस पे फिर उसे कंफर्म करते हैं। तो ये थी हमारे पास जनरल करेक्टर जनरल स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ टर्पिनोइड्स।